मैदान पर जयसवाल और दुबे का तूफान देख स्टेडियम में छाई खुशी की लहर, रो पड़े अफगानी गेंदबाज। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों के T20 सीरीज का दूसरा मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान के लिए गुलबदीन नायब की शानदार पारी की बदौलत अफगानिस्तान की टीम ने भारत के सामने 173 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे टीम इंडिया ने आसानी से चेज कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों के T20 सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान के लिए ओपनिंग करने उतरे गुरबाज 9 गेंदों में 14 रन बना सके। इसके अलावा कप्तान इब्राहिम भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके, वह 10 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गई। गुलबदीन नायब की शानदार पारी की बदौलत अफगानिस्तान की टीम ने भारत के सामने 173 रनों का लक्ष्य रखा था। अर्शदीप सिंह की ओर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, उन्होंने कुल 3 विकेट लिए। रोहित शर्मा अपना 150वां T20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए 0 रन पर आउट हो गए। पहले मैच में भी उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। उनके साथ ओपनिंग करने उतरे यशस्वी जायसवाल की ओर से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, उन्होंने अर्धशतक जड़ा, 34 गेंदों में 68 रन की पारी खेली। वही विराट कोहली अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन पारी को आगे नहीं बढ़ा सके, वह 16 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद शुभम दुबे ने टीम इंडिया के लिए खतरनाक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उनके बल्ले से भी शानदार अर्धशतक देखने को मिला। जितेश शर्मा दूसरे मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर सके। वही रिंकू सिंह ने अंत में 8 गेंदों में 8 रन की पारी खेली। आपके क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।